नमस्कार है आप सभी को। आप देख रहे हैं पीके स्मार्ट इलेक्ट्रिकल गुरु जी। हमारा चैनल है यूट्यूब पर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके जितना शेयर कीजिए। चलिए आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं, एमसीबी बॉक्स कैसे लगाते हैं। तो देखिए आज हम ये एमसीबी बॉक्स लगाए हैं। ये हमारा यहाँ पर है आर ओ आई बी जो है हमारा यहाँ पर लाइन आ गया 415 वोल्ट, ये लाइन आ गया और ये हमारा आउट हो गया एमसीबी से, आरओआईबी आउट हो गया। एक हमारे यहाँ भी है, एक 32 एम्पियर का और एक 16 एम्पियर का है और 3 6 6 एम्पियर का है। आप देख सकते हैं 1 2 3, ये तीनों है जो 6 6 एम्पियर का है और ये टीपी है, इसको टीपी बोलते हैं जो तीनों फेज में सटा रहता है, 3 एमसीबी जिसमें चिपका रहता है उसको टीपी बोलते हैं और जो ये सिंगल सिंगल रहता है उसको ESP बोलते हैं। तो ये हमारा मेन लाइन आ गया और ये मेन लाइन हमारा आउट हो गया और आउट होने के बाद हमारा 3 फेज सप्लाई हमारे ये 32 एम्पियर में भी आ गया और 6 एम्पियर में आ गया। तो इस तरीके से आप पावर लाइन का कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं या कहीं से भी अगर आपको घर में बैठाना है तो आप एमसीबी बॉक्स बैठा सकते हैं। ये देखिए हमारे एमसीबी बॉक्स का फुल कंट्रोल वायरिंग है। अगर आप यहाँ से आउटपुट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 3 फेज सप्लाई आपको यहाँ से निकल जाएगा, ये देख सकते हैं। और सिंगल फेज निकालना तो देखिए ये हमारा एक एक एमसीबी अलग अलग है, ये हमारा ESP है, आप चाहें तो यहाँ से सिंगल फेज भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारा सिंगल फेज का हो गया 1 2 3, ये हमारा सिंगल फेज का है और ये हमारा 3 फेज का है और ये जो है हमारा मेन लाइन है जिसमें हमारा मेन लाइन आ रहा है ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट हमारे MCB में आएगा और MCB से ही डायरेक्ट गया अलग अलग MCB में। तो इस प्रकार से आप पावर लाइन का कनेक्शन कर सकते हैं और इस प्रकार से कहीं भी आप वायरिंग कर सकते हैं या कहीं भी कोई भी चीज़ चला सकते हैं। तो इस हिसाब से हो गया आपका आज का हमारा वीडियो है, ये पावर लाइन का वायरिंग का। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं, आप अपना घर में भी बना सकते हैं, आप जहां भी बनाना है घर में बना सकते हैं, कंपनी में बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसका अब एक बोर्ड है ऊपर से, ये देखिए ये इसका कवर है, आप इसका ये कवर भी आप लगा सकते, देखिए ये से कवर लग जाएगा।